जम्मू से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं पूरम कृष्ण भट्ट, जिनकी कल निर्मम हत्या कर दी गई और अभी जो है क्रिमिनेशन ग्राउंड में उनको अंतिम दर्शन और लाइव संस्कार आप देख रहे हैं। पूरम कृष्ण भट्ट जिन्हें कल साउथ कश्मीर शोपियां में उन्हीं के रेजिडेंस में उनकी हत्या कर दी गई और जम्मू से अभी जो उनका क्रिमिनेशन ग्राउंड में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। परिवार में काफ़ी दुख, एडमिनिस्ट्रेशन से नाराज़ लोगों की आप भीड़ देखिए। डीसी अवनि लवासा भी यहाँ पे मौजूद। लकड़ी देने के लिए तमाम लोग यहाँ उपस्थित। Thank you.
छोटे क्लास में पढ़ रहे हैं सर। अभी डिवकॉम साहब यहाँ पर हैं, EDGP साहब हैं, हम आपसे सर हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं ऑन बिहाफ होल कम्युनिटी। सबसे पहले जो भी जिनकी वहाँ पर हत्या हो गई टारगेट के लिए, इनके छोटे छोटे दो बच्चे, उनके लिए कम से कम 50 लाख रुपए का कंपनसेशन। इट इज डिमांड ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर हिंदू कम्युनिटी, प्लीज ये प्रोजेक्ट दिस डिमांड इन फ्रंट ऑफ LG ऑफिस। इट्स अवर हम्बल रिक्वेस्ट टू बोथ ऑफिसर्स की एम्प्लॉयमेंट। सेकंड, इसकी स्पाउस है, उसके छोटे बच्चे हैं, 50 लाख का भी आज की दौर में क्या निकलता है, उसको अल्टीमेटली एक रूटीन में असिस्टेंस होनी चाहिए। उसकी एक जॉब आप देखिए अकॉर्डिंग टू हर क्वालिफिकेशन, हम नहीं बोलते उसको फर्स्ट क्लास लगाइए, जो जो वो उनका जॉब अगले 7 दिन के अंदर अंदर हम चाहते हैं इनके 10वें दिन से पहले उसका अपॉइंटमेंट लेटर ऑन प्लीज। और उनकी पोस्टिंग जम्मू में होनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर में तो आप कोई सर्व नहीं करेगा सर, एटमोसफेयर सर। और तीसरी बात सर, आखिर ये किलिंग्स कब तक होंगे सर? हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हो और हमें पता है 10-15 दिन के बाद एक और बच्चा हमारा मरे, हमें पता है सर। इसके लिए ये बच्चे वहाँ नौकरी करने नहीं जा रहे, ये 150 दिन से सड़कों पर गवर्नमेंट को गुहार लगा रहे हैं, इनके कौन सुनेगा सर? प्लीज सर, इनका
जो भी आज तक एबसेंट वहां लगी है फ्रॉम ड्यूटीज, जो वहां के लोकल ऑफिशियल्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, मेजोरिटी पॉपुलेशन आई कैन से, वो हमारे हिंदू माइनॉरिटी एम्प्लॉयज को टारगेट कर रहे हैं थ्रू शो काज नोट्स। इट इज नॉट ए शेम ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन हु आर एट वैली सर। ये आप ये चीजें देखिए और इन सब की सैलरी स्टॉप नहीं होनी चाहिए सर, प्लीज रिलीज इट बिफोर दिवाली। ओ भाई मेरे, ये सैलरी का इशू नहीं है अभी, कोई सैलरी वाली ना कोई, हमें हमारी बात मत करो, फैमिली की बात करो इस समय, ये जो फैमिली है उसकी बात कीजिए इस समय, फैमिली की बात करो आप इस समय, एम्प्लॉयज को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है इस समय, सैलरी का इशू नहीं है इस समय, इशू है तो फैमिली का इशू डिस्कस कीजिए, इनको कैसे बस बस, और कोई इशू यहाँ पे डिस्कस मत कीजिए बस प्लीज। ट्राई करे, पनिश करे और कुछ करे, इसलिए हम चाहते हैं कि जिनोसाइड मानो, जिनोसाइड के लिए कानून बनाओ, और आप हमारे बच्चों को जो 3-4 हज़ार बच्चे यहाँ 140 दिन से धरने पे हैं, वो भाग कर आए हैं वहाँ से, जान के लाले हैं, उनको आप मजबूर करें वापस जाइए। ड्यूकॉम कह रहे हैं वहाँ सिक्योरिटी है, तो ड्यूकॉम के खिलाफ FIR की उन्हें कौन सी सिक्योरिटी है वहाँ? वो अपनी जो उसका जो उसकी सिक्योरिटी है उसको सरेंडर करे, करके दिखाए ना। DC हो, ड्यूकॉम हो, पुलिस के उच्चाधिकारी हो, इनके आगे पीछे कितनी गाड़ियाँ दौड़ती हैं, और हमारे निर्दोष बच्चों को आप कह रहे हैं कि कश्मीर जाओ, जो हम मरने के लिए हैं कि आप बार्टर कर रहे हैं हमारे बच्चों को, आप मोटिगेट बना रहे हैं। तो मैं प्राइम मिनिस्टर से, माननीय होम मिनिस्टर से, LG मनोज सिन्हा से अपील करता हूं, तमाम कश्मीरी पंडितों और देशवासियों की तरफ से, कि आप पॉलिसी बदलिए और इसको जानिए और फिर मानिए, और नहीं मानेंगे तो ये होता रहेगा, ये अंतिम नहीं होगा, भगवान ऐसा न करे, लेकिन हम हमेशा हमें दरकिनार करनी है बेटा। आज आज के दौर चलेगा निज़ाम मुस्तफ़ा, और निज़ाम मुस्तफ़ा इज़ इस्लामिक रूल इन कश्मीर, इस्लामिक रूल में आपके कोई प्लेस नहीं है, चाहे आप कश्मीरी हिंदू हैं, चाहे डोगरा हिंदू हैं, चाहे सरदार हैं, चाहे कोई भी हैं। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि सरकार 35 साल से, कोई भी सरकार, वर्तमान सरकार सहित, इस जिनोसाइड को, इस जिहाद को एक्सेप्ट नहीं करेगी। जब तक नहीं करेगी ये होता रहेगा हमेशा। जिनोसाइड को एक्सेप्ट करना चाहिए, जिनोसाइड के खिलाफ जो हमने कश्मीरी पंडितों ने एक बिल दी है, उस बिल पे विचार हो, कानून बने, ताकि रिवर्सल ऑफ जेनोसाइड के रास्ते खुले, ताकि कोई पूर्ण किस्म पर दोबारा न मरे। हम विश करते हैं कि अंतिम हो, लेकिन अंतिम नहीं होगा, दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है। हर बार राहुल बट से लेकर के, मगल्ला बिंदु से लेकर के, रजनी बाला से लेकर के, कितनी भी सतविंदर कौर हैं, तो ये जारी है, ये उनकी स्ट्रैटेजी है। देशवासियों को समझना चाहिए, जिसे आप कहते हैं कि कश्मीर में, हमारे होम मिनिस्टर तक ने कहा कि यहाँ 1.5 करोड़ लोग टूरिस्ट आए, तो टूरिस्टों के जाने से आप क्या है? उसको सामान्य नॉर्मल से कहते हैं, वो इकॉनमी है। आप कल जाइए तो 1 लाख रुपया खर्च करेंगे, आपको कुछ नहीं कहेंगे। टूरिस्टों के जाने से
या जो जलसे आप निकालिए प्रायोजित आयोजित, उससे नॉर्मल सी तब होगी जब आप हम सब लोग कश्मीर में रह सके जा सके, और जैसे हम कहते हैं वो नॉर्मल सी का मापदंड है। अग्निशेखर जी, ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार कब तक कश्मीरी पंडित को कश्मीर में टारगेट किया जाएगा, और किस तरीके से सियासी दल जो हमेशा से इसमें आश्वासन ही देते आएंगे कि कश्मीर में टेररिज्म खत्म हो जाएगा, जब तक हमारी भारत की सरकार वर्तमान सरकार सहित मोदी सरकार सहित इस मसले को इसके कोर इश्यू को टालती रहेगी, इसको एड्रेस नहीं करेगी, तब तक ये हत्याएं जारी रहेंगी किसी न किसी फॉर्म में। सरकारों को, इंडियन स्टेट को, भारतीय राज्य को ये मानना है कि कश्मीर में मिलिटेंसी नहीं है, टेररिज्म नहीं है, वहाँ जिहाद है, और ये जिहाद हिंदुस्तान के खिलाफ है, और ये जब तक आप नहीं मानेंगे कोर इशू ऑफ जिहाद एंड जेनोसाइड, तब तक ये चलता रहेगा। हम चाहते हैं कि पूरा देश इस बात को जाने आपके माध्यम से, क्योंकि हमारा सपोर्ट और कोई नहीं इस प्राइम मीडिया, और ये मीडिया अगर हमारी बात को फिल्टर किए बिना सामने आने देगा। हम चाहते हैं लोग देशवासी जाने कि कश्मीर में ये जो आप कभी कभी देखते हैं और सरकारें आंकड़ों से आपके सामने आती हैं, अब टेररिस्ट अटैक्स कम हुए, अब हो गया, ये हो गया, सारा झूठ है, ये हुडविंकिंग है। आंकड़ों से कोई भी जिहाद नहीं मापा जा सकता, आंकड़ों से कोई भी जेनोसाइड आंका नहीं जा सकता है। आंकड़े ये आपको भरमाने का, अभी अभी कहेंगे अब बर्फ गिरी है अब आतंकवाद कम हो जाएगा, ये कौन सी बेवकूफाना बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे एक रेडिकल सोच है जिसे जिहाद कहते हैं, जो कहता है कश्मीर में क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा, और निज़ाम मुस्तफ़ा है इस्लामी राष्ट्र, इस्लामी रूल, और वो आज की तारीख में भी है। ये सारे मैसेजेस हैं, चाहे वो पूर्ण हो चाहे वो कोई भी। केंद्र में हर एक सरकार जो आती रही है, हमेशा उन्होंने पहले प्रायोरिटी के तौर पे वोट बैंक की राजनीति की है, और साफ तौर पर यही कहा है कि कश्मीरी पंडित हमारे लिए प्रायोरिटी है और उनको हमने वापस भेजना है। जब भी केंद्र में बैठ जाते हैं उसके बाद किलिंग्स देखने को मिलती है, टारगेट किलिंग्स देखने को। मुझे लगता है आज की जो पीढ़ी है, देखो जब हमने शुरू किया आंदोलन में तब मैं 31-32 साल का था, आज सामने मेरे सामने जो नई जनरेशन वो सब कुछ जानती है, अच्छे से समझती है इस चीज़ को कि आपको एक वोट की तरह लिया जाता है। अब शायद उनको लगता है कि कश्मीरी पंडितों का वोट नहीं है, या अब ये संख्या में ये भूल कर रहे हैं। अगर वोट की राजनीति से आपने इस आंकड़े को देखना है, वी आर ए फैक्टोरियल इम्पोर्टेंस, जब तक आप कश्मीरी पंडितों को वापस नहीं ले जा सकते हो, आप नहीं कह सकते हो कि मान नॉर्मल सी आई, उसके लिए का आपका वोट होना या नहीं होना कोई मायने नहीं रखता है। इतना सब होने के बाद भी क्या अभी जेनोसाइड लॉ लाना जरूरी नहीं है? ये कब नहीं है, आप स्वयं जानती हैं, आप पत्रकार हैं, कि हमने कब से किया, 3-4 साल हो गए हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास, प्रधानमंत्री जी के पास, गृह मंत्री के पास, लॉ मंत्री के पास, तमाम जो इम्पोर्टेंट एमपीज हैं, जो तमाम विपक्षी नेता हैं, उनके पास हमारा बिल गया है, ये लोग सुनते ही नहीं है। ये लोग कुल्हाड़, ये लोग कश्मीरी में कहते हैं मूलन द्रोत पतरन साग, यानी आप जड़ें काट रहे हो और जो पत्ते हैं ऊपर उनको पानी छिड़क रहे हो। ये जो रूट कॉज है इस टेररिज्म का, जिसे ये टेररिज्म कहते हैं, हम जिहाद कहते हैं, हम जेनोसाइड कहते हैं, जब तक इसे एड्रेस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। और जल्द से जल्द प्राइम मिनिस्टर को कम से कम रिज्यूम कहते थे ना इधर कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग जो हैं वो आज बेहद ज़्यादा दुखी भी हैं, आहत भी हैं, और सरकार से एक ही मांग है कि जल्द से जल्द कश्मीर घाटी के अंदर जो हैं वो जो लक्षित हत्याएं हो रही हैं उन्हें जल्द से जल्द रोका जाए, और आखिर कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हैं वो कश्मीर घाटी में अपनी जो जान है उसकी कुर्बानी देते रहेंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा हर बार वादे किए जाते हैं, आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन फिर एक बार एक कश्मीरी पंडित जो है उसकी हत्या कश्मीर घाटी के अंदर जो है वो कर दी जाती है, और आज ये लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन सब चीज़ों पर रोक जो है वो लगाई जाए, सिर्फ वोट बैंक के लिए कश्मीरी पंडित समाज जो है उसे ना इस्तेमाल किया जाए। साहिल कुमार के साथ रवि शर्मा, UNT जम्मू।
वो देखिए वो दे पगल है ड्रिबल ले रही वो कहाँ तक गया थी पता इधर कोई गल नहीं। राकेश कोल जो सरपंच हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। राकेश जी, एक कश्मीरी पंडित समुदाय के जो व्यक्ति हैं उनकी हत्या कर दी जाती है, ये कहा जा रहा कि हत्याएं अब बंद होंगी, सरकार आश्वासन दे रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन आश्वासन दे रही थी, लेकिन फिर एक हत्या जो है हो गई। आखिर कब तक कश्मीरी पंडित जो हैं उन्हें बलि का बकरा बनाता जाया रहेगा और कब तक उनकी हत्याएं होती रही? आपके सामने हर महीने यहाँ एक न एक जो मैयत आती है, जो लाश आती है, उसका अंतिम संस्कार होता है, मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगते हैं। और आज आपको खुद पता चल रहा है कि गवर्नमेंट के जो दावे हैं वो कितने सही है। अगर गवर्नमेंट खुद कह रही है कि 250 से लेकर 300 के करीब वहाँ पर है, तो फिर हमारी कम्युनिटी को क्यों फोर्स किया जा रहा वहाँ ज्वाइन करने के लिए? क्यों वहाँ के अफसर लोग हैं, अफसर शाही जो चल रही है वो इन पर चिट्ठियाँ, उनकी तनख्वाहें बंद करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों सोई है, जिन्होंने पहली बार आज 4 महीने से राशन भी बंद कर दिया? क्या बात है? क्या हम राष्ट्रवादी नहीं? क्या हमने गवर्नमेंट का साथ नहीं दिया? 90 से आज हम देख रहे हैं कि हम इसी की कामना करते हैं कि हालात ठीक हो जाएंगे और हम भी ठीक हो जाएंगे। एक तरफ सरकार आपसे ये दावे और वादे जो है वो एक तरफ सरकार ये कहती है कि इधर आना सर, कैसे एक मिनट ना स्टार्टिंग सीख रहे हैं। राकेश कोल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो सरपंच हैं, कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और कश्मीर घाटी से जीत कर आए। राकेश जी, क्या कहेंगे, फिर एक हत्या जो है वो हो जाती है? हर बार आश्वासन दिए जाते हैं लेकिन उसके बाद फिर एक हत्या हो जाती है। गवर्नमेंट के आश्वासन बड़े सामने हैं, खोखले हैं, जो कह रहे कि हालात ठीक है आपके सामने ही है। न इसके पास कोई ऐसी बात है, न इसे ऐसी कोई कार्रवाई वहाँ की। ये अपना पेट पालने के लिए वहाँ जाता था क्योंकि ये ओवरएज था, इसके पास मुलाजमत नहीं थी, छोटे बच्चे आपके सामने हैं। आज मैं गवर्नमेंट से पूछता हूँ कि आप इन बच्चों का सामना कर सकते हैं? इनको जवाब दे सकते हैं कि इन्हें पापा कहाँ गए? आज उसकी बहन जो आपने यहाँ खुद देखी है, यहाँ पर कश्मीर के अंदर जिस तरह टारगेट किलिंग हो रही है, पहले राहुल भट्ट की हुई, सभी राजनेताओं को आगे आकर इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और स्वच्छ तरीके से, जैसे स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, इसी प्रकार आतंकवादियों के खिलाफ भी स्वच्छ भारत अभियान में उसे शामिल कर इन आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी टक्कर देकर भारत सरकार चाहे तो, ये तो हफ्ते में हो सकता है ना, निसंदेह भारत सरकार को जल्द से जल्द कड़े से कड़े फैसले लेकर कड़ी से कड़ी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। और कश्मीरी पंडितों को अगर आप स्थापित करने का सपना सोच रहे हैं तो अभी ये नहीं हो सकता। निसंदेह यहाँ पर बड़ी बड़ी टारगेट किलिंग कर आतंकवादी बता रहे हैं कि हम अभी शक्तिशाली हैं। कहीं ना कहीं इन बच्चों को देखें। इस पर बिल्कुल भी राजनीति नहीं होनी। सभी राजनेताओं को जहाँ आना चाहिए था, कहाँ है वो डॉक्टर फारुकुद्दौला, कहाँ है वो महबूबा मुफ्ती, कहाँ है वो अल्ताफ बुखारी? कम से कम आज यहाँ पर भाजपा के नेताओं को तो मैंने यहाँ देखा है, कांग्रेस के नेताओं को देखा है, लेकिन पीडीपी अपनी पार्टी एनसी पीडीपी वो वहाँ के नेता यहाँ पर क्यों नहीं आए? क्यों नहीं उन्होंने इनको श्रद्धांजलि दी? आज क्यों नहीं उनके अंतिम संस्कार में आए? क्या ये नेता केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं? कश्मीरी पंडित जिन्होंने कभी भी
कभी भी पेन के सिवाय, शिक्षा के सिवाय कुछ नहीं बांटा। किसी भी थाने में इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। आज तक कश्मीरियों पर आतंकवादियों ने कई हमले किए, एक भी कश्मीरी पंडित बता दो जो आतंकवादी बना हो। पूरे विश्व में इन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, इनकी सुरक्षा होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं उनको जेड सिक्योरिटी तक मिलनी चाहिए। ये लाइव आपने देखा जो कि साउथ कश्मीर शोपियां में जो कि निर्मम हत्या की गई पूरम कृष्ण भट्ट जी की, उनका यहां पे संस्कार किया गया। तमाम डीसी और भी बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी यहां पे मौजूद थे, लेकिन परिवार दुख में था, गुस्से में था कि आखिर कब तक जो है ये टारगेट किलिंग देखने को मिलेगी और आखिर कब तक ये टारगेट किलिंग जो है ये ख़त्म होगी। आपको क्या लगता है खबर के नीचे कमेंट करिएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए जम्मू लद्दाख विजन। जय हिंद, जय भारत।